चाइना से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए भारत में देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू किया गया था, जिसके बाद से उड़ान सेवा भी बाधित हो गई थी। लॉकडाउन के चौथे चरण में जब जनता को तमाम रियायतें मिली तो कई दौर की मंत्रणा के बाद 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा को भी फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हवाई सेवा की शुरुआत नहीं होने वाली है। 25 मई से यानी कि आज से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 4:45 पर पुणे के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई, जबकि मुंबई एयरपोर्ट से सुबह 6:45 पर पहली फ्लाइट पटना के लिए रवाना हुई। अब हर दिन करीब 190 फ्लाइट टेक ऑफ और इतनी ही फ्लाइट को लैंड करने की इजाजत है। उम्मीद है कि इनमें 24 घंटे में 45,000 से 50,000 यात्री आ जा सकेंगे। उड़ाने तो शुरू हो गई हैं तो एयरपोर्ट पर वापस रौनक लौट आई है। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पैसेंजरों की तैयारियां देखकर साफ है कि उन्हें उड़ान भरने की कितनी बेताबी है। हर कोई न्यू फॉर्मूला की अपेक्षाओं के मुताबिक पूरी तैयारी के साथ एयरपोर्ट पहुंचा। चेहरों पर मास्क, हाथों में ग्लव्स के अलावा कुछ यात्री बकायदा ओवरऑल पर्सनल प्रोटेक्शन गियर के साथ एयरपोर्ट पर सवेरे से ही पहुंचने लगे थे। करीब 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानों के टेक ऑफ के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट पर अब नए नियमों के साथ सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एयरपोर्ट पर 2 मीटर की दूरी और टचलेस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। हवाई यात्रा के संबंध में राज्य सरकार ने अपने अपने राज्यों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। एयरपोर्ट पर लोगों को सलाह दी जाएगी कि वे 14 दिनों तक अपने सेहत को मॉनिटर करते रहें और अगर कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय मेडिकल ऑफिसर या राज्य के कॉल सेंटर पर सूचना दें। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नजर आएंगे उनका टेस्ट किया जाएगा। सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य से जुड़ा एक घोषणा पत्र भी देना होगा। एयरपोर्ट का सैनिटाइजेशन लगातार किया जाएगा और जगह जगह सैनिटाइजर रखे जाएंगे।